मैं या तो जीत में भारतीय तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से आऊंगा जरूर। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनमें असीमित देश प्रेम भरा होता है। वह अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वह अपने वतन के लिए जान भी दे सकते हैं। ऐसे ही असीमित देश प्रेम भरा है हमारे भारत देश के जवानों में, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसी ही एक भारतीय जवान के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने कई बार अपने दुश्मनों को धूल चटाई थी और जाते समय कुछ ऐसे सुनहरे शब्द बोल गए जो हमेशा के लिए अमर हो गए। उस देश प्रेमी का नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। ये दिल मांगे मोर, इस वाक्य को तो आपने सुना ही होगा क्योंकि यह पेप्सी का एडवर्टाइजिंग स्लोगन है, पर मैं उस एड की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिन्होंने सही मायनों में इन वाक्यों को अर्थ दिया। 1999 के कारगिल युद्ध में जिन्होंने अकेले पाकिस्तानी फौजियों को धूल चटाई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा के दुश्मन इसे इतना डरते थे कि वह कैप्टन विक्रम बत्रा को शेर शाह कहकर बुलाते थे। तो चलिए जानते हैं इस शेर की दास्तान को इनके जन्म से। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पलमपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम गिरिधर लाल बत्रा था और इनकी माता का नाम कमलकांता बत्रा था। कैप्टन विक्रम बत्रा जुड़वा भाई थे और रामचरितमानस पर अनंत विश्वास होने के कारण इनके माता पिता ने इनका नाम लव और कुश रखा था। लव का अर्थ है विक्रम और कुश का अर्थ है विशाल। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी स्कूली पढ़ाई पहले डीएवी स्कूल में और बाद में पलमपुर सेंट्रल स्कूल में पूरी की। आर्मी कैंटोनमेंट में स्कूल होने की वजह से आर्मी के अनुशासन को देख और अपने पिता से देशभक्ति की कहानियां सुनने पर विक्रम बत्रा में स्कूल के दिनों ही देश प्रेम प्रबल हो उठा। विक्रम बड़े ही एक्टिव छात्र थे, वह हमेशा सबसे आगे रहते थे, चाहे वह पढ़ाई में हो या फिर स्पोर्ट्स में। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से साइंस में ग्रेजुएशन पूरी कर ली और इस दौरान वह एनसीसी के सबसे बेहतरीन कैडेट भी चुने गए और उन्हें गणतंत्र दिन के परेड का ही हिस्सा बनाया गया। विक्रम के ग्रेजुएशन के समय उनके द्वारा मर्चेंट नेवी के लिए दिए गए परीक्षा का परिणाम आया और वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे, परंतु उन्होंने इस नौकरी को नकार दिया और इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने की इच्छा प्रकट की। अब उन्होंने ठान लिया था कि वह इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करेंगे। लाखों रुपयों की नौकरी को नकारते हुए उन्होंने सीडीएस की तैयारी शुरू कर दी। विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन सीडीएस के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश कर लिया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। इस समय से ही इनकी बहादुरी की कहानी शुरू हुई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को महज 18 महीनों के बाद ही 1999 में कारगिल युद्ध में जाना पड़ा था। इस दौरान वह बहुत ही बहादुरी से लड़े और उन्होंने सबसे पहले हम्प और राखी नाम स्थानों पर तिरंगा लहराया। इसके बाद ही उन्हें कैप्टन बनाया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाकिस्तान सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में लेते हुए तिरंगा लहराया। इस जीत के बाद जब कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिक्रिया ली गई तब उन्होंने जवाब दिया, ये दिल मांगे मोर,
और इसके बाद ही इन्हें लाइनों को एक अलग ही पहचान मिल गई। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दे दी। 0.5140 को कब्जे में करने के बाद 0.4875 को कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया गया और यह जिम्मेदारी भी कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंपी गई। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ इस मिशन को पूरी करने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की और इस अभियान पर जाने से पहले कैप्टन बत्रा ने 16 जून को अपने जुड़वा भाई विशाल को द्रास सेक्टर से एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, प्रिय कुश, माँ और पिताजी का ख्याल रखना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 7 जुलाई 1999 को 0.4875 पर कब्जा करने वह निकल पड़े और जब वह इस मिशन को पूरा करने निकले तब पाकिस्तानी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जब उन्होंने देखा कि उनके साथी मुसीबत में हैं, तब वह पाकिस्तानी सैनिकों पर शेर की तरह टूट पड़े और उन्हें मौत के घाट उतारा। यह मिशन भी लगभग पूरा हो चुका था परंतु इसी दौरान कैप्टन बत्रा ने देखा कि उनके जूनियर लेफ्टिनेंट नवीन एक विस्फोट में बुरी तरह घायल हो चुके थे। इसके बाद जब वह नवीन को बचाने के लिए पीछे घसीट रहे थे तब एक पाकिस्तानी सैनिक की गोली उनके सीने पर लगी। इसके बावजूद उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर पाकिस्तानी सैनिकों पर टूट पड़े और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वह तिरंगा लहरा चुके थे और वीर गति प्राप्त होने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा के शब्द थे, जय माता दी। जब 1999 में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच दबाव बढ़ रहा था तब विक्रम बत्रा छुट्टियों में अपने घर कलमपुर आए थे और जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठे थे तब उनके एक दोस्त ने कहा, विक्रम, कारगिल में युद्ध शुरू हो चुका है, तुम अपना ख्याल रखना। तो बड़ी बहादुरी से विक्रम बत्रा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, या तो मैं जीत में भारतीय तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आम से आऊंगा। जब कारगिल युद्ध में वीर गति प्राप्त होने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को अदम्य साहस के लिए 15 अगस्त 1999 को भारत के सर्वोच्च मिलिट्री पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अपने युद्ध में कैप्टन बत्रा ने अपने कई सारे साथियों को बचाया था और उनके बारे में खुद इंडियन आर्मी चीफ ने कहा था, अगर वह जीवित लौट आते तो अब तक वह इंडियन आर्मी के हेड बन गए होते। कारगिल युद्ध पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम LOC कारगिल था। इस फिल्म को 2003 में प्रकाशित किया गया और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था। दोस्तों, हर जवान की शहीदी छोटी या बड़ी नहीं होती, पर कुछ लोग हमारे सामने ऐसी मिसाल खड़े कर जाते हैं जिसे सुनने के बाद हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। भारत के हर बहादुर जवान को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आपका अनमोल समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।